क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। नमस्कार, मैं स्पृहा देसाई। मैं वाचा शाह। मैं जयनी उपाध्याय। कारगिल विजय दिवस पर आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्या आप सब जानते हैं कि कारगिल युद्ध की शुरुआत कब हुई थी और उसका अंत कब हुआ था? कारगिल की लड़ाई 18,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ी गई थी। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे भारतीय सैनिकों ने 3,000 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिरा। हिमालय से ऊंचा साहस उनका, सिर जो किसी के आगे ना झुके, मातृभूमि के लिए किया सब अर्पण, ऐसे वीरों को मेरा नमन। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल का युद्ध 60 दिन तक चला था और इसका अंत 26 जुलाई को हुआ था। इसमें भारत विजयी है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादियों ने भारत की सीमा के भीतर प्रवेश किया और कब्जा किया। इसी वजह से कारगिल का युद्ध हुआ। आओ झुक के करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आज से 21 साल पहले हमारे देश के शौर्य वीरों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति, दाव पर सब कुछ लगा है, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते को सिद्ध कर और अपने पराक्रमों से देश के शत्रुओं को अटूट संदेश दिया है कि हम भारतीय हैं और अपने देश की रक्षा कैसे करते हैं वह अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने देश के शूर वीरों के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। भले ही वो हमारे बीच में नहीं है मगर उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। जय हिंद, जय हिंद।